मायाज ड्रीम, लिसन एंड रीड विथ मी, सुनिए और मेरे साथ साथ दोहराइए। बच्चों अब देखो, मायाज ड्रीम यानी माया, ये लड़की है, इसने क्या देखा है, एक सपना देखा है। तो हम उस सपने के बारे में देखते हैं कि माया का सपना कैसा था। तो अब हम आगे देखते हैं, देखो इस बारे में। माया द मिल्क मेड वॉज कैरिंग अ पॉट ऑफ मिल्क ऑन हर हेड। द मिल्क वॉज फ्रेश एंड क्रीमी। माया बिगिन टू ड्रीम के वो एक क्या की उसने एक पॉट दूध का जो है मटका उसने सर पे लेकर क्या कर रही हो जा रही है। और वो दूध कैसा है, एकदम ताज़ा और क्रीमी है, मतलब मलाई वाला दूध है वो, एकदम ताज़ा वाला। हाँ फिर हम आगे देखते हैं वो क्या। तो माया देखो अब स्टार्ट कर रही है कि ड्रीम देखना, सपना देखना स्टार्ट हो गया है उसका। तो वो क्या देख रही है सपने में, क्या कर रही है, ऐसे मटके में दूध लेके जा रही है। क्या होता है देखो आगे, देर इज सो मच मिल्क इन द पॉट, और वो पॉट जो है उसका मटका उसके अंदर बहुत सारा दूध है। इट्स रिच एंड क्रीमी, और वो बहुत ही क्या है, ताज़ा और क्रीमी यानी मलाई वाला है दूध। आई विल मेक नाइस थिक दही विथ दिस मिल्क, और वो क्या बोल रही है सपने में, सोच रही है कि मैं इसका बहुत ही एक अच्छा मोटा दही बनाऊंगी, इस दूध के ज़रिए से मोटी दही बनाऊंगी जमा के। देन आई विल चर्न इट एंड मेक बटर, फिर उसको मैं क्या करूंगी बोल रही हो, घुमा के ऐसे देखो यहाँ पर तस्वीर में, उसको एकदम गोल गोल घुमा के मिक्सर में जैसे घुमाते, पहले लकड़ी में घुमाते थे, ऐसे घुमा के क्या करने वाली है वो, मस्का निकालने वाली, बटर निकालने वाली है वो। जो चर्न यानी यहाँ पर देखो लिखा गया है, देन आई चर्न इट, यानी चर्न का मतलब होता है दूध का मटका, उसको क्या करेंगी वो, दूध के मटके से बटर बनाएंगी। आई टेक द बटर टू द मार्केट, फिर वो क्या करेंगी जो मस्का निकलेगा वो मार्केट यानी बाज़ार में लेकर जाएंगी, ऐसे सोच रही हो सपने में। मैनी पीपल विल कम टू बाय द सॉफ्ट एंड टेस्टी बटर, फिर बहुत सारे लोग आकर मेरे से ख़रीदेंगे बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट यानी नरम बटर खरीदेंगे, ऐसे वो सोच रही है। आई विल सेल इट ऑल अ गुड प्राइस, फिर वो सोच रही है कि मैं बहुत ही अच्छे से क्या करूँगी, उसको अच्छे प्राइस में बेचूँगी, बहुत ही अच्छे प्राइस यानी पैसे से बेचूँगी। आई विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, वॉट शल आई डू विद द मनी, इसका मतलब है बच्चों वो क्या बोल रही है माया जो है, वो बोल रही है कि आई विल गेट अ लॉट ऑफ मनी यानी मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वॉट शल आई डू विद द मनी, फिर मैं वो पैसों का क्या करूँगी, ऐसे सोच रही हो। फिर देखो आगे, आई नो वॉट आई डू आई विल डू आई विल बाय बिग गोल्डन इयर रिंग्स, और वो बोल रही हैं हाँ मुझे पता है मैं वो पैसों का क्या करूँगी, बड़े बड़े कान के गोल्डन यानी सोने के कान के खरीदूंगी, कान के झुमके है ना। दे विल बी मच बेटर देन मीराज इयर रिंग्स, और वो सोच रही है एक लड़की है मीरा, उसके कान के जो झुमके उससे तो अच्छे वाले मैं खरीदूंगी, ऐसे सोच रही वो माया। शी इज़ ऑलवेज शोइंग देम ऑफ, और वो हमेशा दिखावा करती है कान के पहन के। उसकी एक फ्रेंड है शायद मेरा, वो उसको दिखावा करती है पहन के सोने के कान के। बट नाउ मेरा जस्ट यू वेट, और ये लड़की जो ख्वाब देख रही है उसमें क्या सोच रही है वो कि मेरा तुम सिर्फ रुको, अभी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं भी सोने के कान खरीदूंगी, तुम सिर्फ देखते रहो, ऐसा बोल रही है वो। आई विल वेयर देम एंड वॉक पास्ट हर लाइक दिस, और वो क्या बोल रही है माया, ये जो लड़की दूध बेचने के लिए जो जा रही है वो बोल रही है कि मैं भी वैसे कान के झुमके पहनूंगी और तुम्हारे
सामने से गुजरूंगी। माया बिगिन टू वॉक विथ हर हेड हेल्ड हाई। फिर वो क्या कर रही है माया, ये लड़की उसका जो सर है वो जो माया है उस वो क्या करने लगी, आहिस्ता से चलने लगी है ना, ऐसे चलते चलते तो उसका सर ऊपर था ना, तो उसके सर ऊंचा रहने की वजह से क्या होता है, देखो शी मूव्ड हर हेड स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, और वो आहिस्ता आहिस्ता से उसका सर क्या कर रही थी, ऐसे मूव कर रही थी साइड, ऐसा चलते चलते आहिस्ता से चल रही थी वो। द मिल्क इन हर पॉट रोल्ड जेंटली, और उसके सर पे जो पॉट था दूध का वो क्या होने लगा, सरक गया, रोल होने लगा आहिस्ता से। माया वेंट ऑन ड्रीमिंग, देखो फिर यहाँ पर माया वेंट ऑन ड्रीमिंग यानी वो फिर से ख्वाब देखने लगी आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते। When Meera sees my rings, she will get a surprise. फिर देखो आगे क्या सोच रही है ख्वाब में, जब मीरा देखेंगी उसके रिंग्स, कान के जो झुमके देखेंगी, तो she will get surprise, तो उसको क्या मिलेगा, एक surprise मिलेगा, इसने भी खरीदी ऐसे वो surprise हो जाएंगी। She will say, oh what lovely rings. वेट माया वेट आई वॉन्ट टू सी योर रिंग्स, और वो क्या बोल रही है मीरा जो है बोलेंगी कि कितने प्यारे रिंग हैं कान के, रुको माया तुम रुको, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ देखना तुम्हारे कान के झुमके। और देखो आगे यहाँ पर, बट विल आई वेट, ओ नो, पर मैं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी मैं, ऐसे बोल रही हो ख्वाब जो देख रही है ना मीरा, वैसे बोल रही है मैं नहीं रुकने वाली। वाई शुड आई, मैं क्यों रुकूँ, डज शी एवर वेट फॉर मी, क्या उसने रुका मेरे लिए, नहीं रुकी उसने, नो नहीं रुकी उसने, तो मैं भी नहीं रुकूंगी उसको झुमके दिखाने के लिए कान के। आई विल जस्ट टोज माई हेड लाइक दिस, माया टोज्ड हर हेड विथ अ जर्क, तो वो बोल रही है कि मैं भी मेरा सर झटके से क्या करूँगी, टोज यानी झटके से सर को हिलाना है ना, तो फिर मैं भी झटके से, जर्क यानी झटका देना, तो मैं भी ऐसे झटके से चले जाऊँगी। वॉट एंड व्हाट्स दिस, फ्लो द पॉट ऑफ मिल्क आउट स्प्रिट द मिल्क, जब उसने अब ड्रीम देखते देखते सपना देखते देखते जैसे उसने अपने मुंडी को हिलाया, ऐसे सर को क्या किया, झटका दिया, तो क्या होता है देखो यहाँ पर, अवे फ्लो द पॉट ऑफ मिल्क और स्प्लिट द मिल्क, वो जो पॉट है वो मिल्क का नीचे गिर जाता है और पूरा दूध क्या होता है, टूट जाने पर पूरा मिल्क नीचे गिर जाता है ना, नो मिल्क नो दही नो बटर नो ईयरिंग्स, तो उसका मिल्क दूध जब गिर जाता है तो नो मिल्क, मिल्क ही नहीं रहता है, दूध नहीं रहता है तो दही भी नहीं रहेगा, और दही नहीं तो बटर भी नहीं रहेगा मस्का, फिर नो ईयरिंग्स, फिर बटर भी नहीं है तो कान के झुमके भी नहीं मिलेंगे। माया लॉस्ट हर ईयरिंग्स इवन बिफोर शी ब्रॉट देम, और माया क्या करती है सपना देखते देखते कान के रिंग खो देती है, और ख़रीदने से पहले ही उसने क्या किया, माया ने झुमके खरीद सपने में ही सोचते सोचते सच में उसने क्या किया, अपने कान के झुमके खो दिए, ख़रीदने से पहले ही उसने खो दिए। अब देखो आगे, गेस द नंबर टू, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाज के मानी अंदाजे से बताइए, अभी आपको क्या करना है इसके अल्फाज के मानी बताना है बच्चों। मिल्क मेड, मिल्क मेड यानी हम देखेंगे, मिल्क मेड यानी दूध वाली या दूध वाला, चर्न यानी घूमना यानी कोई भी पॉट है उसमें हम घुमाते दूध है या फिर कुछ भी है उसको बोलते हैं, जर्क यानी झटका देना, स्प्लिट यानी फेंक देना, कोई भी चीज़ गिर जाने पर